हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप बिल्कुल चेक करके देखना। और पर मैं एवरीडे, मुझे दो तीन कमेंट्स आते हैं कि मेरी डैंड्रफ इन चीज़ों से जा नहीं रही है, तो मैं एक फिर से नया शैम्पू ट्राई कर रही हूँ, तो उसका ही रिव्यू आपके साथ करने वाली हूँ कि मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज की वीडियो में सारी बातें करेंगे। तो जिस शैम्पू के बारे में बताने वाली हूँ वो है ये कीटो कैम एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसमें कि कीटोकोनेजोल यूज़ किया गया है 2% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये जो कीटोकोनेजोल होता है, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं जिससे कि डैंड्रफ हो जाती है उनको किल करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिनका बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प होता है, ड्राई स्कैल्प होता है, उनको अक्सर ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ ही मौसम के चेंज होने से हाइजीन मेंटेन नहीं रखना, बहुत लंबे टाइम तक बालों में ऑयल लगा के रखना, या टाइम पे शैम्पू नहीं करना, और ये सारे बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण डैंड्रफ हो जाती है। अब डैंड्रफ भी एक तो माइल्ड होती है जो कि आती जाती रहती है, एक होती है जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है और लंबे टाइम तक बालों में रहती है। ये जो शैम्पू है, ये किसी भी टाइप का आपका हेयर हो, कोई भी आपका हेयर टाइप है या किसी भी टाइप की आपकी डैंड्रफ है, उस पर बहुत अच्छे से काम करेगा। और ये शैम्पू क्लेम करता है कि आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देगा, किसी भी हेयर टाइप पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये जल्दी से जल्दी डैंड्रफ पे बहुत अच्छे से असर करता है। ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है और 181 रुपीज़ इसका MRP है, तो इस पर आपको डिस्काउंट मिल ही जाएगा और ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा। ऑफलाइन आप किसी भी मेडिकल शॉप से आप इसको ले सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस ठीक ठीक है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू की फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं होती है, तो इसकी भी ठीक ठीक है और फोम अच्छे से करता है और बाल स्कैल्प को क्लीन करेगा, साथ ही साथ आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी ये शैम्पू दूर करता है। किसी भी एज वाले शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं, पर आप बच्चों को, मतलब जो बेबीज़ हैं 5-6 साल के, ऐसे यूज़ मत करवाना। 15+ लोग, बच्चे हैं या जो भी है, यूज़ इसको कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है तो सिर्फ ये आपकी डैंड्रफ को दूर करेगा। इसके अलावा बालों को लंबा घना मुलायम नहीं बनाएगा, ना ही ये हेयर फॉल को कम करता है। ये सिर्फ आपकी डैंड्रफ को दूर करेगा। डैंड्रफ के साथ ईची स्कैल्प है, फ्लैकिंग है, उन सारी चीज़ों पर काम करता है। पर इसके अलावा बालों के लिए और कुछ काम मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करता है, पर बहुत अच्छे से ईचिंग दूर हो जाएगी, आपकी स्कैल्प क्लीन हो जाएगा, डैंड्रफ चली जाएगी, फ्लैकिंग है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ये रिमूव करता है। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने का तरीका सही होना चाहिए, तभी कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू काम करता है। आपको अपने स्कैल्प को अच्छे से गीला करना है, इसके बाद इस शैम्पू को आपको अपने लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको ले लीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, बहुत कम भी मत लेना, और इसको अच्छे से अपने स्कैल्प पे मसाज करना। 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करो, इसके बाद 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दो, बालों में लगा रहने दो। अगर आप इसको तुरंत वॉश कर दोगे, लगा नहीं रहने दोगे, तो ये कैसे असर करेगा। इसको असर करने के लिए थोड़ी देर बालों में रहना चाहिए, 5 मिनट तक लगे रहने दो, फिर आप वॉश कर लो। याद रहे कि जब आप इसको लगाते हो उसके पहले ऑयलिंग वगैरह कुछ नहीं करना, इसको लगाने के बाद कोई कंडीशनर वगैरह यूज़ नहीं करना। बहुत लोग कहते हैं कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ किया उसके बाद क्या मुझे नॉर्मल शैम्पू यूज़ करना चाहिए, तो जी नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ये शैम्पू ही है, इसके पहले बाद में आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना। हाँ, जब बाल ड्राई हो जाए तो आप सीरम वगैरह जो भी लगाते हो वो लगा सकते हो। कुछ इस तरह से इसको यूज़ करना है, इसको एवरीडे यूज़ नहीं करना है। इसको क्या, कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू है उसको एवरीडे यूज़ नहीं करना चाहिए। एवरीडे यूज़ करेंगे तो बाल डैमेज होंगे, हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सिर्फ आपको वीक में एक बार यूज़ करना है, और जब आप इसको 4 वीक्स तक रेगुलर यूज़ करेंगे तब आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने एक बार ही हेयर वॉश किया तो मुझे इसके रिजल्ट्स मिल गए, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा माइल्ड डैंड्रफ थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मुझे एक बार में ही रिज़ल्ट मिल गया। पर कुछ दिन बाद फिर से मेरी डैंड्रफ
आ गई, मुझे बालों में वापस आ गई, तो मैं अब फिर से इसको यूज़ कर रही हूँ। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों को एक वॉश में रिजल्ट्स मिल जाएंगे, कुछ लोगों को थोड़ा लंबे टाइम में रिजल्ट्स मिलेंगे, तो कम से कम आप इसको 4 वीक्स तक रेगुलर यूज़ करें। इसके बीच में जैसे आप वीक में 2 बार 3 बार शैम्पू करते हैं तो नॉर्मल शैम्पू कर सकते हैं, और वीक में 1 दिन कर लीजिए कि आपको इसको यूज़ करना है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, बिल्कुल एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हो तो बिल्कुल एक बार इसको भी ट्राई करके देखो, इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल सकते हैं, मिलेंगे ही, और काफ़ी अच्छा है। और हो सकता है आपको ये कीटोकैम नाम से नहीं मिले तो और किसी नाम से मिले, बस आप ये देख लेना कि कीटोकोनाजोल होना चाहिए 2% कॉन्सेंट्रेशन के साथ, वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक बार यूज़ करके देखो, जैसे भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे रिजल्ट्स मिले। और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.